हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक खूबसूरत सा फ्लावर क्रॉसेंड्रा के बारे में। तो इस प्लांट के केयर टिप्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो आपके साथ शेयर किया है, तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये खूबसूरत सा प्लांट जो कि गर्मियों में लगाया जाता है। नर्सरी में बहुत ही आसानी से ये प्लांट हमें मिल जाता है। तो इस प्लांट को हम कटिंग के थ्रू कैसे ग्रो करें? फरवरी और मार्च का जो महीना होता है ये कटिंग के लिए बेस्ट होता है। फरवरी ऑलरेडी बीत चुका है और मार्च भी लगभग आधा बीतने में है, तो अभी भी समय है हमारे पास कटिंग ग्रो करने की। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये खूबसूरत सा जो प्लांट है, इस प्लांट की कटिंग को हम किस तरह से ग्रो करें। बहुत ही इजी एंड सिंपल मेथड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये फ्लावर जो हैं ये बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होते हैं। मैं इस प्लांट को लास्ट ईयर नर्सरी से परचेज करके लाई थी, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, और काफ़ी अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी हुई थी। तो पेरिनियल प्लांट है, पूरे साल हमारे गार्डन में रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है, बस विंटर सीजन में डोर्मेंसी में चला जाता है, जिसके कारण इसमें विंटर में फ्लावरिंग नहीं होती है। लेकिन जैसे ही बाहर का मौसम स्टार्ट होता है, आप देख पा रहे होंगे इसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है, बडिंग स्टार्ट हो चुका है, और जो पुराने पत्ते हैं धीरे धीरे वो झड़ जाएंगे और नए पत्ते उनकी जगह निकल आएंगे, और काफ़ी सुंदर एक लुक ले लेगा। काफ़ी बुशी टाइप प्लांट है और बड़ा नहीं होता है ये प्लांट, हाइट में ऊंचा नहीं होता है। ग्राउंड कवर के रूप में इस प्लांट का अच्छा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये प्लांट है ही कुछ ऐसा और ग्राउंड को इतनी आसानी से कवर करता है। अगर आप इसे ग्राउंड में लगाएं तो ये प्लांट बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। तो हम जैसे टेरेस गार्डन करते हैं तो हमारा ये पॉट में ही लगा रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये प्लांट किस तरह से अपनी ग्रोथ को डेवलप करता है। तो जैसे कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस प्लांट की कटिंग को हम किस तरह से ग्रो करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्लांट को हम स्प्रिंग सीजन में या फिर रेनी सीजन में बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। और इसके ग्रोथ, इसको ग्रो करने के लिए हमें चाहिए जस्ट इसके नोड एरिया, मतलब हमें ऐसा स्टेम लेना है जिसमें ये नोड एरिया हो, जैसे कि ये है, ये जो काफ़ी सारे नोड एरिया बने हुए रहते हैं, जितने भी नोड एरिया बने हुए रहते हैं, मेन पॉइंट होता है यही कि यहीं से हमें इसकी रूटिंग स्टार्ट करनी है। तो इसकी रूटिंग स्टार्ट करने के लिए हमें अलग से कुछ करना नहीं होता है, बहुत आसान है। आप देखेंगे कि इस प्लांट को अगर आपने लगा रखा है तो आप देखिए इस प्लांट को, कि ये प्लांट जैसे ही थोड़ी सी भी मिट्टी से टच होता है वहीं से रूटिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल मनी प्लांट की तरह। जैसे मनी प्लांट थोड़ा सा भी ज़मीन से टच होता है तो वहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे देखिए, ये मैं दिखाऊँ आपको, ये स्टेम है और ये स्टेम, ये पूरा टोटली ये स्टेम है, और ये स्टेम कुछ इस जगह पे जमीन से टच होते ही ये जमीन को पकड़ लिया है ये स्टेम, और यहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। और देखिए, जैसे मैं आपको दिखाऊं, आप देख पा रहे हैं कि नहीं, जैसे कि देखिए ये स्टेम है, ये टोटली ये स्टेम है, और यहाँ देखिए इसकी एक रूट जो है वो इसके ज़मीन के जस्ट नीचे जा चुकी है। मतलब अगर हम यहाँ से इसे कट करें तो ये अलग से एक प्लांट हमें मिल जाएगा। इसी तरह से इसमें भी ये इस जगह पे ज़मीन को टच कर लिया है, मिट्टी को टच कर लिया है। तो मैं आपको एक जगह और दिखाऊँ, जैसे कि देखिए ये स्टेम जो आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये एक स्टेम से नीचे से रूट निकल के ये ज़मीन को टच हो चुका है। अगर हम यहाँ से कट करें स्टेम को तो हमें एक नया प्लांट पूरी तरह से तैयार मिल जाता है। तो बहुत ही आसान है इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना। अगर आपके पास ये प्लांट है तो कुछ समय के लिए इस प्लांट की एक स्टेम को ज़मीन से टच करके रखिए, और फिर थोड़े समय के बाद ही आप देखेंगे कि वो स्टेम रूटिंग स्टार्ट कर चुका है।
तो बहुत ही आसान है ये, तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि मिट्टी से टच होते ये प्लांट रूटिंग स्टार्ट कर देता है। और अगर ऐसा नहीं हो तो आप इस जगह से इसको कट करिए और नोड एरिया से ये पत्तियां हटाइए और इसे कट करके हटा दीजिए और देखिएगा कि यहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम इसे इस जगह से कट करके नहीं लगाएंगे, तो मेरे ऑलरेडी इसमें रूटिंग स्टार्ट होया हुआ स्टेम है तो मैं उसी को कट करके लगाऊंगी जिससे कि जल्दी से जल्दी मेरा ये प्लांट तैयार हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कुछ ये वाला स्टेम जो है जो कि मेरे रूट के साथ है, मैं इसी को यहाँ से कट करूँगी और कट करके यहाँ से मैं इसे निकाल लूँगी। तो मैं निकाल लेती हूँ फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ये स्टेम मैंने कट करके निकाल लिया और जो कि मैंने आपको दिखाया कि इसका स्टेम जहाँ ज़मीन से टच होता है वहीं रूटिंग स्टार्ट कर देता है। तो देखिए इसमें कितने अच्छे इसमें रूट्स बने हुए हैं। अब बहुत ही आसान होता है इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना, इस तरह से बढ़ना। आप यहाँ से कट करके इसे नीचे की पत्तियों को हटा के भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रो करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी ग्रोथ पकड़ लेता है, बहुत ही जल्दी हमारा ये प्लांट फ्लावरिंग पे भी आ जाता है। तो अब मैं इसे लगा लूँगी। तो लगाने के लिए मैं ऑलरेडी मिट्टी तैयार कर चुकी हूँ। तो जैसे कि प्लांट में पहले से रूट डेवलप्ड हो चुका है तो मैंने मिट्टी, जैसे मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ, एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा कॉम्पोस्ट, तो उसी तरह से मैंने मिट्टी ऑलरेडी तैयार कर लिया है। और तैयार करने के बाद मिट्टी को मैंने थोड़ा सा मॉइस्ट कर लिया है जिससे कि प्लांट आसानी से स्टेबल हो सके। तो अब हम इस प्लांट को इसमें लगा लेंगे और बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि इसमें रूटिंग कुछ इस तरह से बनी हुई है, इसीलिए मैं कुछ इस तरह से इसमें होल कर रही हूँ। और होल करने के बाद इसे बस हमें कुछ नहीं करना है, ऐसे लगा देना है। अगर इसकी पत्तियाँ थोड़ी बहुत अगर ज़मीन को टच हो भी जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये प्लांट ज़मीन से लगते हुए ही होता है, इसीलिए उतनी खास प्रॉब्लम नहीं होती है इस प्लांट को। बस इस तरह से इसे हमें मिट्टी में दबा देना है और छोड़ देना है। बहुत ही आसान है क्योंकि रूट बना हुआ है, इसीलिए हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस प्लांट को ग्रो करने में। और जैसे कि मैं इस स्टेम को कट कर रही थी तो मेरा ये एक स्टेम है जो कि टूट गया, तो मैं इसे भी इसी में लगा दूंगी। जैसे कि देखिए इसमें कोई रूट नहीं बनी हुई है, इसीलिए इसे मैं एज इट इज़ ही लगा देती हूँ और देखती हूँ कि कितने दिन में इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो एकदम से जैसे मनी प्लांट को हम ग्रो करते हैं बिल्कुल वही मेथड है इस प्लांट को भी ग्रो करना। आप अगर खड़े प्लांट को लगाएंगे, खड़े प्लांट जितने टाइम से रूटिंग आएगी, आप अगर प्लांट के स्टेम को इस तरह से सुलाते हुए लगाएंगे तो इसमें जल्दी रूटिंग आती है, जैसे कि हम मनी प्लांट में अप्लाई करते हैं। तो सेम वही मेथड है, उसी तरह से अगर हम इसे अप्लाई करें तो बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि रूट इसमें एक स्टेम में मेरे बने हुए हैं तो इसमें जो मैंने फर्टिलाइज़र ऐड किया है उससे काफ़ी जल्दी इसमें इस प्लांट को उससे न्यूट्रिशन मिलते रहेंगे और ये प्लांट बहुत ही जल्दी अपनी ग्रोथ पकड़ लेगा। तो है ना बहुत ही सिंपल एंड इजी मेथड क्रोसेंड्रा प्लांट को कटिंग से ग्रो करना। अगर आपके पास है तो आप एक प्लांट से कई प्लांट इस तरह से ग्रो कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप ये प्लांट या नियर बाई कहीं है ये प्लांट तो बहुत ही आसानी से आप कटिंग लाके इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है, पूरी गर्मी पूरी बरसात इस तरह से इसमें फ्लावरिंग होती रहती है, एक स्टॉक जैसे निकलता है और ढेरों फ्लावर उसमें खिलते रहते हैं। तो आज का मेरा वीडियो बस इतना ही था इस प्लांट के कटिंग को किस तरह से ग्रो करें, वो भी सिंपल एंड ईजी मेथड में। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।